एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होममेकर सुमन। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी एगलेस केक की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसे हम गैस स्टोव के ऊपर ही बनाएंगे। तो बिना मैदा, बिना अंडा, बिना सुगर और बिना बटर के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी केक बनेगी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट केक को बनाने के लिए मेजरिंग कप चाहिए। या तो आप कॉफ़ी कप ले लीजिए मीडियम साइज़ का, या फिर आप मेजरिंग कप्स ले लीजिए जो मार्केट में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों तरह के मेजरिंग कप लिए हैं। केक को बनाने के लिए हमें ओट्स चाहिए। ओट्स बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अब एक मिक्सी के जार में हम 1.5 कप ओट्स ले लेंगे। तो इसका हमें फाइन पाउडर बनाना है। बहुत जल्दी इसका पाउडर बन जाता है, क्योंकि बड़ी आसानी से ये पीस जाते हैं। ओट्स का पाउडर बना करके आप फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो जब भी आपको केक बनाना है या बिस्किट्स बनाना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पहले से पाउडर बनाकर रखा हुआ है, तो ओट्स का 1 कप पाउडर हमें लेना है, क्योंकि ओट्स पीसने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। अब एक छोटी चाय वाली स्पून से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम टेस्ट के लिए नमक भी ऐड कर देंगे। 1 स्पून से सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस केक में हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारा केक और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मूंगफली के पाउडर को यूज़ कर रहे हैं। मूंगफली की केक बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और हेल्दी तो ये है ही, और बड़ी आसानी से सबके घर में मिल भी जाती है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप मूँगफली ली है। 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही हल्की फ्लेम पर भून लेंगे। तो इसे बस इतना भूनना है कि जिससे इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए, क्योंकि बाकी तो ये केक में पकेगा ही। जब मूंगफली थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो इसके छिलके को अलग करके इसे हम पीस लेंगे। तो पीसने के बाद आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं वो केक में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मूंगफली के पाउडर को बनाने के लिए मूंगफली को भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छे से पीस नहीं पाती है। हल्का भून लिया तो ये अच्छे से इसका पाउडर भी बन गया है, और अब हम इसे यूज़ कर लेंगे। अब इन सभी पाउडर को एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। हम यहाँ पर एगलेस केक बना रहे हैं, तो एगलेस केक के लिए यहाँ पर हम अंडे की जगह दही यूज़ करेंगे। दही यहाँ पर हमें ताज़ा लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही यूज़ ना करें। यहाँ पर चीनी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और गुड़ भी हम बहुत थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं। तो 1/3 कप यहाँ पर मैंने गुड़ का पाउडर लिया हुआ है। आप चाहें तो गुड़ ले लें, या फिर गुड़ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से मॉल में मिल जाता है। आपके पास वनीला एसेंस है, तो उसकी 5 से 6 बूंदें आप इसमें ऐड कर दीजिए, उससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। केक को चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए इसमें हम कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं। 1/3 कप कोको पाउडर हम इसमें डाल देंगे। अगर कोको पाउडर नहीं है, तो इसकी जगह आप चॉकलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। 4-5 बाइट चॉकलेट के आप हल्का सा मेल्ट करके इसमें डाल दीजिए। अब इसमें हम देसी घी यूज़ करेंगे, तो 4 चम्मच आप देसी घी डाल दीजिए, या फिर 1/4 कप आप इसमें घी यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास मूंगफली का ऑयल है, तो आप घी की जगह उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस केक मिक्स में 1/2 कप हम दूध लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। दूध यहाँ पर हमें रूम टेम्परेचर का लेना है। केक मिक्स में लगभग 1/2 कप दूध यूज़ हो जाता है। तो क्योंकि इसमें हमने दही भी यूज़ किया था, तो आप फिर भी इसको अच्छे से मिक्स करके देख लीजिए कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। केक मिक्स हमारा रेडी हो गया है, तो हम अपने ओवन को गर्म कर लेते हैं। हम यहाँ पर ओवन यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर गैस ओवन यूज़ करेंगे। तो गैस ओवन को बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई लेनी है, और उसको गर्म कर लेना है। मेरे पास ये बड़ी कढ़ाई है, जिसको मैं ओवन की तरह यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कुकर या भगोने में भी बना सकते हैं। कढ़ाई हमारी जब तक गर्म हो रही है, तो हम अपने केक टिन को रेडी कर लेते हैं। आप जिस भी बर्तन में केक को बना रहे हैं, उसके शेप का पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जरूर से कट कर लें, और उसके दोनों तरफ हम थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे। अब हम जल्दी से अपने केक मिक्स को केक के मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा स्पेस आपको ऊपर से खाली छोड़ना है। जब केक बेक होगी, तो वो थोड़ा फूलेगी, इसलिए आप 1/2 इंच ऊपर से खाली छोड़ें। वैसे परफेक्ट हमारा बैटर बना था, पूरा इसमें सेट हो गया है। मूंगफली और बादाम को थोड़ा पतला पतला काट के मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं, और थोड़े से सीड्स भी इस पर डाल दिए हैं। तो इससे केक हमारी देखने में बहुत अच्छी लगेगी जब बेक होके आएगी, और इसको हल्का सा टैप कर देंगे। अब इसे हम ओवन में रख देंगे। कढ़ाई में हम नीचे एक या तो जाली रख देंगे, या फिर प्लेट रख देंगे, और इसके ऊपर हम अपने केक मोल्ड को रखेंगे। इससे केक जलती नहीं, और अच्छी तरह से चारों तरफ से बेक होती है। अब कढ़ाई के साइज़ के बर्तन से हम इसे कवर करेंगे। तो परांठ मेरी बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर सेट हो गई है। गैस की फ्लेम को आपको मेंटेन करना है। स्टार्ट में थोड़ा सा तेज रखना है, यानी 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको मीडियम पर आप रखें, और उसके बाद स्लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। केक को बेक होने में 35 से 40 मिनट्स का टाइम लगता है।
तो हमारी केक अच्छे से बेक हो चुकी है, इसे हमने चेक कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए, इसे आप एक किसी नाइफ से इस तरह से सेपरेट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से केक अलग हो जाती है। गाइस, ओट्स की केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं बनती है क्योंकि इसमें हमने पीनट का पाउडर भी यूज़ किया है, लेकिन ये टेस्टी तो बहुत है और हेल्दी भी बहुत है। ऑयल आप मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल में भी आप इस केक को बना सकते हैं। गाइस, बिना मैदा, बिना अंडा, बिना बटर, बिना शुगर और बिना माइक्रोवेव के इतनी परफेक्ट केक भी बन सकती है। जब तक आप बनाएंगे नहीं, आपको बिलीव नहीं होगा। और खाने में इतनी हेल्दी है कि इसको आप डेली खा सकते हैं। आपको ये ओट्स पीनट केक की रेसिपी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।